वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज का वीडियो है, इट्स अबाउट ब्यूटीफुल मॉडेस्ट मैक्सी ड्रेस फ्रॉम मिंत्रा। मिंत्रा से मैंने बहुत ही ज्यादा प्यारा एकदम प्रिंसेस टाइप डेली वेयर भी यूज कर सकते हो मैक्सी ड्रेस मैंने परचेस की, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसलिए आज के हॉल वीडियो का नाम ही है ब्यूटीफुल मैक्सी ड्रेस हॉल फ्रॉम मिंत्रा। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अभी वीडियो में। अगेन एज अ क्विक आउटफिट अपडेट, आज जो मैंने ऐसा स्वेटशर्ट पहनी हूँ, ये ऐसा क्वार्टर जिप आ जाता है इसमें, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। ये मैंने पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड परचेस किया, ये मैंने आई थिंक अर्बैनिक से परचेस किया है, फिर लिटिल बॉक्स जो भी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड इसकी पिक्चर जो है ना वो कुछ ऐसी आई थी मुझे, एंड सेम टू सेम मुझे रिसीव हुआ है, क्वालिटी इज टू गुड। तो डेफिनेटली ये भी आप चेकआउट कर सकते हो, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ लेट्स मूव विद आवर फर्स्ट परचेस। सबसे पहले आई परचेस दिस वन, ये देख के मैंने परचेस की थी, एंड दिस इज व्हाट वी रिसीव्ड। लाइक वाओ, क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी आई है, मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गया। मिंत्रा पे प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है, तो आप जब भी प्राइस कम रहेगा तब परचेस कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी इसका 800 समथिंग प्राइस रेंज, इसका ओरिजिनल प्राइस इज 1500 रुपीज, एंड या इट्स नाइस, क्वालिटी इसकी अच्छी आई है। मैंने साइज परचेस किया है लार्ज एंड आई एम रिग्रेटिंग, आई गेस मुझे मीडियम साइज परचेस कर लेना चाहिए था, बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द यू नो बर्स्ट पार्ट। यहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस टाइट होते हैं तो इसीलिए मैं एक साइज बड़ा ही लेती हूँ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन मी, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। लुक एट द मटीरियल, एकदम सैटिन फिनिश वाला मटीरियल आ जाता है इसमें, आपको ना ऐसी डिटेलिंग मिल जाती है। जस्ट लुक एट दिस, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। एंड या यहाँ से आपको इलास्टिक भी मिल जाता है डिटेलिंग, उसके ऊपर यू विल ऑल्सो गेट मतलब क्लॉथ बेल्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लॉथ बेल्ट यूज की इसी के ऊपर, आप चाहे तो क्लॉथ बेल्ट बिना क्लॉथ बेल्ट के भी स्टाइल कर सकते हो, ऐसा क्लॉथ बेल्ट आ जाता है सेम मटेरियल का। एंड वाइल वेयरिंग आप फ्रंट से इतना पूरा ना ओपन कर सकते हो, तो या ये अच्छा खासा आप लाइक यहाँ तक का उसको ओपन कर सकते हो। इफ यू आर अ फीडिंग मदर देन दिस इज बेस्ट फॉर यू, आप इजीली अपने बेबी को फीड कर सकते हो, इट्स नाइस। तो डेफिनेटली चेक दिस आउट, ये सब दिखने में लगेगा कि पूरा शर्ट टाइप ऑफ मैक्सी ड्रेस है, बट इन रियलिटी ये पूरा क्लोज आता है, सिर्फ ये जो फ्रंट पार्ट है ना ये ही ओपन होगा। इट्स नाइस, अच्छा लगा मुझे। आप बताना आपको ये कैसा लग रहा है अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज, जो प्राइस में मुझे मिला है आई लाइक इट। प्राइस याद नहीं रहती इसीलिए जो भी प्राइस है आई बी मेंशनिंग दैट ऑन स्क्रीन, तो स्क्रीन पे ध्यान रखना। नेक्स्ट आई ऑर्डर दिस वन, ये देख के मैंने परचेस की थी, एंड दिस इज व्हाट वी रिसीव। अगेन इसकी इसमें भी ऐसे ही टेक्सचर आ जाता है, सेम डिटेलिंग आ जाती है, इसी लाइन लाइन वाली। आई थिंक ये बहुत ज्यादा भी ट्रेंड में है। फ्रंट साइड इसका ऐसा आ जाता है, पीछे से आपको ना एक ऐसा लाइक बटन आ जाता है, आप पीछे से पहनने के बाद में बटन लगा सकते हो, तो अच्छा आपको यहाँ आगे से कवरेज मिल जाएगा। वन थिंग दैट आई वॉज शॉक्ड अबाउट एंड आई डिडंट लाइक एट ऑल, विच मेरे घर पे ना आज बहुत मेहमान है, मेरी बेटी भी चिल्ला रही है, या देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, तो आज बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज होगा, तो प्लीज अवॉइड इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, इसमें मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, यहाँ पे ना ये पूरा ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब अंदर से आपका स्किन दिखेगा, तो इट्स नॉट एट ऑल मॉडर्स। मैंने यहाँ पे ना जो अंदर जो लेगिंग्स पहनी थी वो मैंने बहुत ऊपर करके पहनी हूँ, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। आप इसके अंदर स्टॉकिंग्स पहन के पहन सकते हो, या फिर अंदर आपको एक अलग से टी शर्ट पहनना पड़ेगा, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी यार, ये अच्छा नहीं लगा। या फिर आप कोई भी मटेरियल लेके अंदर से आप क्लॉथ लगा सकते हो, बस वहीं पे आप स्टिच करवा सकते हो जहां से दिख रहा है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी ओवरऑल इट्स नाइस, ये भी इसके स्लीव में भी ऐसे ही आ जाता है, स्लीव का मुझे प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उतना हाथ तो दिखता ही है, बट ये बहुत ज्यादा लंबा भी है मुझे। माई हाइट इज ओनली 5'1", इसीलिए मुझे इतना लंबा दिख रहा है। इवन मैंने इसको हील्स के साथ मैं पैर की हूँ तब भी साइज मैंने परचेस किया है लार्ज, एंड क्या नेक्स्ट टाइम से मैं पक्का मीडियम साइज परचेस करूंगी। इसमें आपको ऐसा लेयर 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 मिल जाता है, मतलब 3 टायर ड्रेस है ये, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, इसमें पहन के आप अच्छे से ट्रिल कर सकते हो, इट लुक्स नाइस, ओवरऑल अच्छा है। कोई भी फ्रंट से आपको कुछ भी डिटेलिंग, मतलब फ्रंट से आपको कुछ ऐसा जिप वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, सो इट्स नॉट यू नो इट्स नॉट फॉर न्यूली न्यू मदर्स, जो भी फीडिंग मदर्स है उनके लिए नहीं है ये। ओवरऑल इसकी क्वालिटी अच्छी है, स्लीव इसका ऐसा आ जाता है, डिटेलिंग सब चीज क्वालिटी सब सही लगा मुझे। आई वुड हाईली रेकमेंड, आप ट्राई कर सकते हो, बस वो एक वो जो कमर वाला पार्ट है ना वो ही मुझे अच्छा नहीं लगा, तो
keep that thing in mind. Now let's move to our next point. आज का वीडियो बनाना is so difficult कि मतलब मैं इतने जल्दी जल्दी बात इसीलिए कर रही हूँ कि पीछे से बहुत ज़्यादा noise आ रहा है. I wish कि ये सब capture ना हो. Even मैंने mic लगाया है but still कुछ काम नहीं आ रहा है. पीछे से बहुत ज़्यादा noise आ रही है. Next I ordered this beautiful floral maxi dress. इसको बोल सकते हो आप सबसे बेस्ट मैक्सी ड्रेस मुझे जितना लगा. इवन फर्स्ट वाला अच्छा था बट ये मुझे इतना कंफर्टेबल लगा है. इसमें भी एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी विच इज़ इसका नेक. ये जो है ना ये आपको फ्रंट बैक, फ्रंट से तो मैं हिजाब पहन के इसको सही कर ली थी बट पीछे भी आपको हिजाब पहनोगे तो फुल कवरेज देना पड़ेगा या फिर यू कैन वेयर नेक कवर्स ताकि आपका नेक हाइड हो जाए. बट ओवरऑल इट्स नाइस. बस इसका ये जो थोड़ा नेक है ना पीछे से मुझे डीप लगा है, आगे से तो इतना एडजस्ट हो जाएगा हिजाब के बाद. पीछे से इट वॉज डिफिकल्ट. तो ओवरऑल इट्स नाइस. इसमें आपको ऐसा पूरा एक ही प्रिंट आ जाता है, ऐसी डिटेलिंग मिल जाएगी, पूरा ना सर रफल्स जैसा लगा हुआ है. इट लुक्स नाइस. यहाँ पे इलास्टिक आ जाती है, बिल्कुल भी टाइट नहीं है. मैंने इसमें साइज परचेस किया लार्ज एंड आई एम हैप्पी मैंने लार्ज साइज परचेस किया क्योंकि लार्ज साइज की फिटिंग ऐसी है अगर मैं मीडियम साइज परचेस करती तो बस्ट की वो एरिया में बहुत ज़्यादा टाइट होता तो पहन ही नहीं पाती मैं. इसीलिए आई गॉट दिस वन. आई लाइक इट. आप बताना आपको ये कैसा लगा. ओवरऑल पहनने के बाद में ये कुछ ऐसा लगता I would highly recommend. Last but not the least, lastly, I have this beautiful dress. But जैसा मैंने expect की थी वैसा नहीं आया था. Picture में ये कुछ ऐसा लग रहा था and in reality मुझे एक maxi dress आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा sheer लग रहा है. देख सकते हो इसमें से front में detailing आ जाती है और इसी के साथ में आपको ये inner आ जाता है. Just look at this. ये एकदम से नाइट सूट के जैसा लग रहा है. इसका कुछ इनर है बट यू गाइज वोंट बिलीव ऐसे ही मैंने इसको पहना है एंड यहाँ पे ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं लग रहा था. आई वॉज शॉक्ड. मुझे लगा अंदर कोई इनर पहनना पड़ेगा बट उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है. तो मेरे लिए तो ठीक है, आप अपना देख लेना. मैं आपको बस रियलिटी बता रही हूँ. ऐसा टू पीस में आता है ये. पिक्चर में कुछ ऐसा लग रहा था, रियलिटी में जब मैंने पहना तो ये कुछ ऐसा लग रहा है. ओवरऑल द क्वालिटी इज नाइस. मतलब देख के आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा शेयर है बट रियलिटी पहनने के बाद मैं आई डोंट नो व्हाई ये शेयर नहीं लग रहा है. पहनने के बाद में ऐसा कुछ भी मुझे स्किन विजिबल नहीं लगा है अंदर क्योंकि ये आ गया था तो वो एकदम ही कैंसिल आउट कर दिया सब चीज़ एंड वो तो पूरा कवरेज मिल गया. स्लीव भी एकदम बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं लग रहा था. आई एम शॉक्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है बट या दैट्स द रियलिटी. आप ये भी मुझे बहुत कम प्राइस में मिलता है. इसका जो भी प्राइस है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ. इसकी जो स्लीव डिटेलिंग है ये कुछ ऐसी आ जाती है, पफ स्लीव सॉर्ट ऑफ आ गया है. इट्स नाइस. लाइक पफ नहीं सॉरी बलून स्लीव आ गया है. इट्स नाइस. वो यहाँ पे इलास्टिक नहीं लगी हुई है, यहाँ पे आपको ऐसा बटन डिटेलिंग दिया गया है. इसमें भी पूरे जितने मैंने दिखाई हूँ एक्सेप्ट दैट फ्लोरल सब में ऐसा ही है, लाइन लाइन वाला डिटेलिंग दिया गया है. इसमें गोल्डन है तो मैंने यहाँ पे उससे ही मैचिंग थोड़ा सा अलग मस्टर्ड कलर का हिजाब पहन के दिखा रही हूँ. आप बताना आपको ये कैसा लगा. आई एम शॉक्ड कि ये इतना अच्छा आ गया. पहनने के बाद में इतना अच्छा दिख रहा है, ऐसे तो एकदम लोकल लग रहा है बट या यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट. सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा. पीछे से इतना आवाज आ रहा है. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना एंड लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बहुत ज़्यादा प्यार दो. नाउ लेट्स मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.